साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों यदि आप लोगों ने काफी उपाय किए हैं वशीकरण के, लेकिन उसका असर अगर नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपके सामने ज्योतिष शास्त्र का, क्योंकि देखिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं, और प्लैनेट की कोई भी यदि हम रेमेडीज करते हैं तो वह 100% वर्क करती है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है प्लैनेट ही योग बनाते हैं, ग्रह योग बनाते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो, कोई भी रिलेशनशिप बन रहा है बिगड़ रहा है, ये सब जो डिसाइड करते हैं प्लैनेट ही करते हैं। आज मैं आपको एक खास रेमेडी दे रहा हूं जो कि आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करके, और जिस व्यक्ति को आप अनुकूल करना चाहते हैं वो व्यक्ति टोटल आपके अनुकूल हो जाएगा। कोई भी रिलेशनशिप आप सुधारना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी दोस्तों बहुत ही पावरफुली वर्क करेगी। लेकिन दोस्तों कंडीशन सिर्फ एक ये होती है कि यदि किसी व्यक्ति पर पहले से कुछ तंत्र मंत्र या टोना टोटका या किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन होती है तब रेमेडीज वर्क नहीं करती है। अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही वशीकरण है या पहले से उसके पास में कोई प्रोटेक्शन है या पहले से उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है तो फिर रेमेडीज वर्क नहीं करेंगे। बाकी यदि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ है, उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं है, तो उसके ऊपर दोस्तों आप ये प्रयोग करेंगे, आपको दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ में ऐसी कोई कंडीशन है कि आप काफी रेमेडीज कर रहे हैं, किसी पे उस पर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर पहले से कोई तंत्र क्रिया की गई है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मेरे से मतलब विधि करवाना चाहते हैं उस कंडीशन को, उस रेमेडी जो तंत्र क्रिया है ब्लैक मैजिक, उसको रिमूव करा के कोई भी विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी और इसका रिजल्ट आप 3 से 4 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों ने काफी दिन, आप लोगों के मतलब काफी लोगों पे आपने पैसा दिया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, लेकिन रूद मेडिटेशन की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जो फ्रॉड वाला काम हो। जब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको रेमेडीज करके दी जाएंगी, 100% वर्क करने वाली रेमेडीज आपको दी जाती है। यदि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, तो आप कोई रेमेडी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अपना बर्थ चार्ट यदि चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, घरेलू समस्या है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और स्टडी में दिक्कत आ रही है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो फेस रीडिंग द्वारा आपकी हर एक समस्या का 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 5 से 7-11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। कोई भी ऑप्टिकल से बहुत ज्यादा संघर्ष है लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, फेस रीडिंग के हिसाब से आपको 100% वर्क करने वाली रेमेडी दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी सारी परेशानी से मुक्त हो सके। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। एक छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार और शनिवार, इन 4 दिनों में आपको सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में करना है, राहु काल छोड़ करके। गूगल में सर्च कर लें कि राहु काल कब पड़ रहा है, 2 घंटे का होता है पूरे दिन में, तो वो राहु काल छोड़ करके सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में 1 दिन का प्रयोग आपको करना है। सावधानी आपको ये रखनी है, नॉन वेज आपको नहीं लेना है, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना है, शुद्ध होकर के, नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, और एकांत में कोई कभी डिस्टर्बेंस ना हो उस समय इस प्रयोग को आपको करना है। कोई भी आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना, इस बात का आपको ध्यान देना है। सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, ठीक है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये वर्क नहीं करती हैं, तो किसी की भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। महिलाएं यदि कर रही हैं, अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करना है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक काले धागे की, और साथ में एक ताबीज आपको ले लेना है तांबे का, ठीक है, और एक फोटो लेनी है आपको फ्रंट साइज की, सामने जो इसका फेस उसका हो, फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। फेस फोटो होनी चाहिए सामने की, मतलब कि साइड आई का फेस नहीं, एकदम सामने फ्रंट फेस होना चाहिए, ऐसी आपको एक फोटो ले लेनी है। अपने घर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको नीचे जमीन में नहीं बैठना है, एक कपड़ा बिछा लें, आसन लगा लें, सामने एक पटरा बिछा लें, पूरा उसमें भी एक कपड़ा बिछा लें, और उसमें पूरा सामान आपको रख देना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, शुक्री मुद्रा लगानी है इस तरीके से,
इन दोनों हाथों को घुटने में रखना है, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, जहां सांस की लिमिट खत्म हो जाती है थोड़ी देर सांस को रोकें, सांस को बाहर छोड़ दें। 11 बार आपको ये प्राणायाम करना है। प्राणायाम से होता है क्या है, आंतरिक शुद्धि होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, जिससे कि रेमेडीज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर आपको अपने कुल देवता का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा ले लें, आशीर्वाद देने, कुल देवी का ध्यान कर लें, आज्ञा ले लें, आशीर्वाद देने, अपने पितरों का ध्यान कर लें, आज्ञा ले लें, आशीर्वाद दे दें। फिर आपको महादेव का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, तांत्रिक के सम्राट है, मंत्रों के जनक है, उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। समस्त विघ्नों के हर तक गणेश भगवान का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। 9 ग्रहों का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद दें। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान, उनसे आज्ञा लेकर के आशीर्वाद लेकर के फिर आपको आगे रेमेडी स्टार्ट करना है। आपको फोटो जो आपने ली हुई थी किसी पात्र में आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको जलाकर इसकी पूरी आपको राख निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये राख निकलती है तो उसकी राख पूरी राख जो ताबीज आपने ताबीज ऐसा लेना है जो खोल करके उसमें राख भर सके, तांबे का ताबीज ले लें, चांदी का भी ले सकते हैं, ठीक है। लोहे स्टील का नहीं लेना है, पीतल का, तांबे का या चांदी का ताबीज आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो राख है पूरी राख इसमें आपको भर देनी है, पूरी पैक कर देनी है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। अब जो धागा आपने लिया होता है धागा उसमें फोल्ड डाल दें, ठीक है, पूरा ताबीज तैयार कर लें और सीधे हाथ में रख करके। अब यदि आपने सोमवार को इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको 222 टाइम्स, बुधवार को कर रहे हैं तो 555 टाइम्स, गुरुवार को कर रहे हैं तो 333 टाइम्स, और शुक्रवार के दिन कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों गुरुवार को नहीं करना है, शुक्रवार को करना है 666 टाइम्स, और यदि शनिवार को कर रहे हैं तो 888 टाइम्स आपको एक मंत्र का जाप करना है, ठीक है। मंत्र है दोस्तों ओम भद्राणी अमुक मे वसम कुरु स्वाहा, ओम भद्राणी अमुक मे वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का आप नाम लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बता दिया सोमवार के दिन में यदि आप कर रहे हैं तो 222 बार, ठीक है, और यदि आप बुधवार के दिन कर रहे हैं तो 555 बार, शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो 666 बार, और शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 888 बार, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र का उपाय है, अंकों के हिसाब से ही आपको उसको मतलब कि जो अभिमंत्रित करना है इस ताबीज को सीधे हाथ में लेकर के। एक दिन का ये प्रयोग है, ठीक है। अब बस मंत्रों की काउंटिंग जो आपकी होगी संख्या के हिसाब से होगी, अगर एक भी डिजिट आप आगे पीछे कर देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से मैंने बता दिया, सोमवार 222 बार, बुधवार 555 बार, शुक्रवार 666 बार, और शनिवार को कर रहे हैं तो 888 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे और इसको अभिमंत्रित कर लेंगे। जैसे अभिमंत्रित हो जाता है इसको आपको गले में डाल लेना है या फिर अपने सीधे हाथ के बाजू में आपको बांध लेना है, और जिस व्यक्ति के लिए आपने इस प्रयोग किया है उस व्यक्ति के पास आपको जाना है और मनी मन 11 बार या 7 बार इस मंत्र को आपको उसको देखते हुए आपको ये मंत्र बोल देना है। बस जहां आपने ये मंत्र बोला और वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये अपना एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देगी और वो व्यक्ति टोटल आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। कम से कम दोस्तों इसको 21 दिन तक अपने गले में डाल के रखें या अपने हाथ में रखें, बांध कर रखें या अपने पास रखें, और हमेशा अपने पास रखेंगे तो वो व्यक्ति टोटल आपका गुलाम हो जाएगा। कभी भी दोस्तों आपसे दूर जाने की वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता अगर ये ताबीज हमेशा आप अपने पास में रखते हैं। वैसे 21 डेज में इतनी एनर्जी आपके अंदर ही आ जाएगी, इतना आकर्षण आ जाएगा कि इसके मतलब कि रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप इसको रखे रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, हमेशा अपने पास में ही रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास में रहेगा उतना ज्यादा इसका असर उस व्यक्ति पर होता रहेगा, है ना। एक दिन का ये प्रयोग है दोस्तों, बस आप करके देखिए पूरे विश्वास के साथ में, जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों को फॉलो करके यदि आप इस रेमेडी को करेंगे तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ में करिए, ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि पहले से यदि किसी व्यक्ति पर कोई प्रयोग होता है तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे किसी भी प्रकार की पूजा विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 100% आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना, तो शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।